जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ की एक न्यू रिक्रूटमेंट, जिसकी जानकारी मैं आज आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीएसएफ लगातार आप लोग को रिक्रूटमेंट दे रहा है। जी हाँ, बीएसएफ प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी मैंने आप लोग को दी थी। इसके अलावा बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकली थी। इसके अलावा आप लोग की बीएसएफ वेटनरी में आप लोग की वैकेंसी निकली थी। बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी आप लोग की वैकेंसी की डिटेल दे दी। और अब जो मैं आप लोग को एक न्यू रिक्रूटमेंट की जानकारी देने वाला हूँ, बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। जी हाँ, बीएसएफ ने प्रीवियस में भी कई वैकेंसी आप लोग की निकाली है। कई प्रीवियस में कई रिक्रूटमेंट आप लोग की कंप्लीट होने वाली है और लगातार आप लोग को वैकेंसी दे रहा है। काफी अच्छा डिपार्टमेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि बीएसएफ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसी प्रकार से मिलती रहे। तो क्या न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। तो क्या है ये रिक्रूटमेंट, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये शॉर्ट नोटिस है, फुल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे जैसे ही आएगा इसकी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ऑनलाइन आप लोग के यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो शॉर्ट नोटिस मेरे पास है तो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। जी हाँ, ये शॉर्ट नोटिस आप लोगों को वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा। तो क्या है इन्फॉर्मेशन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट जो निकला हो गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, कंपनी नॉन मिनिस्ट्रियल बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप वैकेंसी 2023 के लिए। तो ऑनलाइन आप लोग के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग सेटअप बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत। तो वैकेंसी की डिटेल आप लोग लीजिए। जी हाँ, वैकेंसी में आप लोग देखेंगे एएसआई की वैकेंसी निकल के आ रही है, एएसआई ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, ओबीसी की एक वैकेंसी है, टोटल एक वैकेंसी। तो इसमें ओबीसी वाले ही अप्लाई कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा पे मैट्रिक्स यहाँ पे लेवल 5 का है, 29,500 से 92,300 सैलरी, 7 सीपीसी आप लोग की लगने वाली है। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है ओबीसी की ही है। तो यहाँ पे ओबीसी वाले ही अप्लाई कर सकेंगे लेवल 4 की यहाँ पे मैट्रिक्स, और 25,500 से 81,100 सैलरी, 7 सीपीसी आप लोग की लगने वाली है। इसके बाद आप लोग की कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। जी हाँ, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की 10 वैकेंसी है, जिसमें एसटी की एक है, एससी की एक है, ओबीसी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की एक है, और जनरल की 7 वैकेंसी निकल के आ रही है। एक वैकेंसी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन और एक वैकेंसी वुमेन के लिए। इसी प्रकार से कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की आप लोग की 6 वैकेंसी जनरल की है, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 4 एससी, 2 एसटी, 19 वैकेंसी। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैंडिडेट के लिए भी है, और कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 4 वैकेंसी, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस की एक है, ओबीसी की 3 है, एससी की एक है, एसटी की वैकेंसी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 9 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए भी वैकेंसी है। और यहाँ पे 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी रहने वाली है, पे मैट्रिक्स लेवल 3 का है, 7 सीपीसी आप लोग की लगने वाली। तो वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, हेड कांस्टेबल एएसआई और कांस्टेबल सभी के लिए वैकेंसी है। जी हाँ, वैकेंसियां बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियर किया गया, ऑनलाइन अप्लाई होंगे। जी हाँ, ऑनलाइन ही आप लोग के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, बीएसएफ की कोई भी रिक्रूटमेंट आ रही है। 30 दिन तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में जैसे ही इसका ऐड आएगा उसके 30 दिन तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर चाहे आप लोग को नोटिफिकेशन कहीं भी मिले तो क्रूशियल डेट यहाँ पे आप लोग को बताया गया है, एज आप लोग की जो है लास्ट डेट को काउंट होगी। जो भी आप लोग की लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई की, उसी डेट में आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होगी। सभी सर्टिफिकेट, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग के होने चाहिए आप लोग के पास, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी जाए वो लास्ट डेट तक आप लोग की बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, फिर चाहे वो एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। वैकेंसी यहाँ पे घट बढ़ सकती है, बीएसएफ के पास राइट्स हैं, वैकेंसी को कैंसिल कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है बिना किसी रीजन के, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद आप लोग को क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो एएसआई ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आप लोग के पास यहाँ पे होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल में डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम आईटीआई। जी हाँ, आईटीआई से आप लोगों ने ड्राफ्टमैन सिविल में यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई यूनिवर्सिटी है वहां से आप लोगों ने कर रखा है ड्राफ्टमैनशिप में डिप्लोमा तो आप लोग यहां पे एलिजिबल हैं। डिजायरेबल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में है आप लोग के पास तो बहुत ही अच्छा रहने वाला, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 10th प्लस आप लोगों ने ड्राफ्टमैनशिप में डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं एएसआई के लिए। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर के लिए बिल्कुल क्लियर है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए इन ट्रेड ऑफ पंप ऑपरेटर। जी हाँ, पंप ऑपरेटर ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड पंप रिक्रूट। तो यहाँ पे आप लोगों से और मांगा गया है, यानी कि आप लोग के पास 10th
प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है पंप ऑपरेटर में तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग के पास 10th प्लस ITI है पंप ऑपरेटर में तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यदि आप लोग के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी एलिजिबल है, यदि आप लोग के पास सर्टिफिकेट है ITI से तो भी आप लोग एलिजिबल है, लेकिन 10th क्लास पास आप लोग होने ही चाहिए। इसी प्रकार से कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर यदि 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और विथ ITI आप लोगों से मांगा गया इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन में या फिर डीजल मोटर मैकेनिक में आप लोगों ने कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए। एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस बिल्कुल क्लियर है, एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस यानी कि 10th प्लस ITI प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए जहां भी आप लोग का एक्सपीरियंस हो। तो यहां पे 10th प्लस ITI और एक्सपीरियंस से ही आप लोग का काम चलने वाला है 3 साल का, लेकिन पंप ऑपरेटर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लोग के पास और कर रखा है, यानी कि यदि एक्सपीरियंस है 10th के साथ तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक की आप लोग की वैकेंसी है, 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आप लोगों से ITI मांगा गया है डीजल में मोटर मैकेनिक में तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है, और एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 10th प्लस आप लोग के पास ITI होना ही चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलिए इसी प्रकार से कांस्टेबल लाइनमैन के लिए आप लोग यहाँ पे 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आप लोग के पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में या फिर लाइनमैन में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आप लोग का जो भी फर्म आप लोग की है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब कुछ क्लियर हो गया, एजुकेशन की जानकारी मैंने आप लोग दे दी, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एज की जानकारी आप लोग को दी जाए तो एज ASI ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 25 साल रहने वाली, जनरल OBC 18 से 28, SC 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से हेड कांस्टेबल पंप ऑपरेटर जनरल वाले 18 से 25, OBC 18 से 28, SC 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक कांस्टेबल लाइनमैन जनरल वालों के 18 से 25 रहने वाली है, OBC 18 से 28 और SC 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में जैसा बेनिफिट मिलता है आप लोग को मिलेगा यहाँ पे। चलिए क्रूशियल डेट जो आप लोग की एज की बताई गई है मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया, लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट रहेगी वहीं से आप लोग की एज काउंट होने वाली है, और सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह आप लोग के पास रेडी होने चाहिए, यानी कि लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे नहीं तो आगे जाके आप लोग को प्रॉब्लम होगी। चलिए एज में आप लोग को छूट मिलेगी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अनुसार, और बाकी की जानकारी आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई जी ऑनलाइन आप लोग की रिक्रूटमेंट BSF की वेबसाइट से ही होगी, यहीं से आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा BSF की वेबसाइट से ही आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई की डिटेल में आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जैसे ही इसका ऐड आएगा तभी आप लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे और 30 दिन तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो पूरी जानकारी आप लोग को आने वाले समय में मिलेगी, काफी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है यदि आप लोग 10th क्लास पास है, प्लस आप लोगों से ITI एक्सपीरियंस वगैरह जैसे जैसे मांगा गया ये सब चीजें आप लोग के पास है तो आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जान से पहले कहूंगी चैनल पर चलो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपलोड के लिए। थैंक यू सो मच।